मिलारेपा ने अपनी तांत्रिक विद्या का प्रयोग करके उस घर पर बर्फ के ओलों की बारिश करा दी। लगभग 80 से 85 लोगों की मौत हो गई। तो आखिर में किसी ने उनको बताया कि केवल एक ही इंसान इसमें तुम्हारी मदद कर सकता है, वो है मार्पा। तो वो मार्पा की खोज में निकल पड़े। तो मिलारेपा को दाकिनी के दर्शन हुए और वो बोली, मार्पा ने तुम्हें शिक्षा तो दे दी है, लेकिन उन्होंने एक मूलभूत पहलू छोड़ दिया है। तिब्बत कई चीजों का मिश्रण है, एक संस्कृति, एक आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में। यहां इस संस्कृति की कुछ महान शख्सियतें आध्यात्मिक प्रक्रिया और तंत्र मंत्र का एक मिश्रण रही हैं। मेरे ख्याल से तिब्बती संस्कृति में मिलारेपा का एक अलग स्थान है। मिलारेपा ने कम उम्र में ही अपने पिता को खो दिया। उनके पिता के पास अच्छी खासी जायदाद और मकान थे, मगर उनके मरने के बाद मिलारेपा के चाचा ने उस जायदाद पर कब्जा कर लिया और उनकी युवा माँ, छोटी बहन और उनके साथ नौकरों की तरह बर्ताव करने लगा। वो तरह तरह से उन्हें अपमानित और प्रताड़ित करता था और उसने सारी जायदाद हड़प ली। इसलिए मिलारेपा अपने अंदर गुस्से और बदले की भावना लेकर बड़े हुए। जब वो किशोर अवस्था में पहुंचे तो अपने परिवार को छोड़कर चले गए। वो अपनी छोटी बहन और माँ को छोड़कर चले गए और अपने चाचा चाची से बदला लेने की सोचने लगे, जिन्होंने उनके परिवार के साथ भीषण अत्याचार और बुरा व्यवहार किया था। तो वो तंत्र विद्या सीखने चले गए और उन्होंने कुछ तांत्रिक प्रक्रियाओं में महारत हासिल कर ली। जब कई सालों के बाद वो लौटे, तब तक उनकी माँ और छोटी बहन चल बसे थे। ये जानकर उनका गुस्सा और भी बढ़ गया, मगर वो एक सही मौके के इंतजार में थे। उसके चाचा ने अपने बेटे की शादी तय की और उसके लिए अपने मित्रों को न्योता दिया। शादी के दिन मिलारेपा ने अपनी तांत्रिक विद्या का प्रयोग करके उस घर पर बर्फ के ओलों की बारिश करा दी। कहते हैं कि उसके चाचा चाची के साथ लगभग 80 से 85 लोगों की मौत हो गई। पूरी जगह ओलों के ढेर के नीचे दब गई। हालांकि शुरू में अपना बदला लेकर मिलारेपा को बहुत खुशी हुई, लेकिन जल्द ही उन्हें इस बात का पछतावा होने लगा। अगर कोई संवेदनशील व्यक्ति किसी चीज का दुरुपयोग करता है तो यह उसे अंदर से तंग करेगा। उस प्रक्रिया को जारी रखने के लिए आपके अंदर एक घटियापन होना चाहिए, वरना आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जीवन की प्रकृति ही ऐसी है कि अगर मौलिक रूप से दुरुपयोग हुआ है, ऐसा ज़मीर के जागने या फिर नैतिक कारणों से नहीं होता, बल्कि कहीं गहराई में भीतर कुछ हिल जाता है। तो इसी तरह ये करने के बाद से मिलारेपा के भीतर कहीं गहराई में कुछ अशांत हो गया। तो उन्होंने तय किया कि उन्हें खुद को इस सब से मुक्त करना होगा। उन्होंने सोचा कि उन्होंने जीवन का दुरुपयोग किया है, बहुत बुनियादी तरीके से। कारण चाहे जो भी रहा हो, उन्होंने जीवन की बुनियादी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है। तो वो आध्यात्मिक प्रक्रिया में लगना चाहते थे। वो कोई ऐसी चीज करना चाहते थे जिससे वो इसी जन्म में अपने कर्म से मुक्त हो जाएं। तो वो गुरु की तलाश में निकल पड़े और वो कई लोगों के पास गए और सभी ने ईमानदारी से यह स्वीकार किया कि वो इसी जन्म में आत्मबोध प्राप्त करने का तरीका नहीं जानते। उन्होंने कहा, हम तुमको कोई ऐसी चीज सिखा सकते हैं जिससे तुम्हारा विकास होगा। करुणा के मार्ग पर चलो, दया और प्रेम के मार्ग पर चलो। धीरे धीरे तुम एक के बाद दूसरे जीवन कालों में विकास करते रहोगे। He was not satisfied with those things. मिलारेपा उन चीजों से संतुष्ट नहीं हुए और उस समय भी उनके भीतर गुस्से की थोड़ी आग भरी हुई थी। उनके अंदर थोड़ा पछतावा, थोड़ी नाराज़गी और थोड़ा गुस्सा था। इन सब की मिलीजुली भावनाएं उनके अंदर चल रही थी। तो आखिर में किसी ने उनको बताया कि केवल एक ही इंसान इसमें तुम्हारी मदद कर सकता है, वो है मार्पा। तो वो मार्पा की खोज में निकल पड़े। जब वो मार्पा के शहर के नज़दीक पहुँचे तो उन्हें कुछ बच्चे मिले और उन्होंने उनसे पूछा। मार्पा को ट्रांसलेटर कहा जाता था। उनको ट्रांसलेटर की पदवी मिली थी क्योंकि उन्होंने भारत के सभी महान तांत्रिक ग्रंथों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया था। तो उन्हें हमेशा ट्रांसलेटर के रूप में जाना जाता था क्योंकि वो ही इस ज्ञान को यहाँ लाए थे। मार्पा के बारे में खास बात ये थी कि वो 3 बार भारत की यात्रा कर चुके थे और वहाँ कुछ गुरुओं से मिले थे और उनसे शिक्षा प्राप्त की थी, विधियाँ सीखी थीं और ग्रंथ प्राप्त किए थे और फिर तिब्बती भाषा में उनका अनुवाद किया था। तो जब मिलारेपा ने पूछा, ट्रांसलेटर मार्पा कहाँ रहते हैं, तो एक बच्चा बोला, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ हैं। और वो उन्हें खेत में ले गया जहाँ मार्पा खेत जोत रहे थे। जब वो बच्चा मिलारेपा को वहाँ ले गया तो मार्पा ने उन्हें देखकर हल को खेत में छोड़ दिया और उन्हें एक लोकल बियर का ग्लास देकर कहा, इसे पी लो और फिर खेत जोतो। तो मिलारेपा बियर पीकर खेत जोतने लगे। मार्पा वहाँ से चले गए और वो बच्चा वहीं खड़ा रहा। जब काम खत्म हो गया तो उन्हें समझ में नहीं आया कि अब क्या करें, तो वो वहीं खड़े रहे। फिर बच्चे ने आकर कहा, अब आप मेरे साथ आ सकते हैं। वो बच्चा उन्हें अपने घर ले गया। तब उन्हें एहसास हुआ कि वो दरअसल मार्पा का ही बेटा था। फिर मार्पा ने मिलारेपा से हर तरह की मेहनत के काम कराए। मिलारेपा ने मार्पा के आगे सिर झुकाकर कहा, मैं आपसे धम्म की दीक्षा चाहता हूँ, उस तरह का धम्म। धम्म का मतलब है एक विधि या प्रक्रिया जो मुझे इसी जीवन में आत्मज्ञान और मुक्ति दिलाए। मैं अगले जन्म में नहीं जाना चाहता और कृपया मुझे भोजन और रहने की जगह देने की भी कृपा कीजिए। तो मार्पा ने कहा, तुम तय करो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भोजन और रहने की जगह दे सकता हूँ। धम्म कहीं और ढूंढो, धम्म के लिए कहीं और जाओ, या फिर मैं तुमको धम्म दे सकता हूँ, तुम रहने खाने का इंतजाम कहीं और करो। यही 2 विकल्प हैं। तो मिलारेपा ने कहा, ठीक है, मुझे आपका धम्म चाहिए, मैं अपने रहने खाने का इंतजाम खुद कर लूँगा। तो मिलारेपा बाहर भिक्षा मांगने चले गए। वो बहुत जोशीले थे और जो भी करते थे उसे कुछ ज़्यादा ही कर डालते थे। तो वो भिक्षा मांगने काफ़ी दूर तक निकल गए और गेहूं के कई बोरे इकट्ठा कर लाए। उन्होंने साल भर का गेहूं जमा कर लिया ताकि वो आराम से बैठकर धम्म सीख सकें। तो उन्होंने बहुत सारा जमा कर लिया और थोड़ा सा बेचकर तांबे का एक बर्तन खरीदा, 4 हैंडल वाला, जो तिब्बत का एक पारंपरिक बर्तन है अपना खाना बनाने के लिए। फिर इस भारी बोझ को लेकर, बहुत भारी बोझ को उठाकर उन्होंने लंबी दूरी तय की। वो मार्पा के घर वापस पहुंचे और बोरे को नीचे पटक दिया, धड़ाम से। मार्पा उस समय खाना खा रहे थे। वो खाने के बीच से उठकर बाहर आए और बोले, ऐसा लगता है कि तुम बहुत गुस्से में हो। अभी इस गेहूं के बोरे और बर्तन की आवाज से तुमने पूरे घर को हिला दिया। लगता है कि अपने चाचा के घर की तरह तुम इस घर को भी गिरा दोगे। निकलो यहां से, बहुत हुआ। तब मिलारेपा गिड़गिड़ाए, आपके कहे अनुसार मैं अपना खाना ले आया, ये बहुत भारी था तो मैंने गिरा दिया। तो मार्पा ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, जाओ तुम, क्योंकि तुमने बोरे को ठीक से नहीं रखा, तुमने उसे नीचे पटक दिया, तुम लायक नहीं हो। तो तुम बाहर रहो, सारे काम करो, मेरा खेत जोतो, मेरे घर की सफाई करो। वो सालों तक ये काम करते रहे। बीच बीच में दूसरे लोग मार्पा से सीखने आए और उन्हें कई चीज़ों की दीक्षा दी गई, मगर मिलारेपा को एक भी दीक्षा नहीं मिली, एक भी शिक्षा नहीं मिली। वो बस कड़ी मेहनत करते रहे। More than 8 years he worked, without a single teaching or initiation. 8 साल से ज्यादा उन्होंने काम किया बिना किसी शिक्षा या दीक्षा के। बाकी सभी वहाँ एक दिन के लिए आते और दीक्षा लेके चले जाते, लेकिन वो इंतजार करते रहे हर किस्म की कड़ी मेहनत करते हुए। एक दिन वो चुपके से अंदर आकर ऐसे एक सत्संग में बैठ गए जहाँ उन्हें बैठने की अनुमति नहीं थी। मार्पा आंखें बंद करके बैठे थे तो वो चुपचाप दूसरे छात्रों के साथ बैठ गए दीक्षा मिलने की उम्मीद से। मार्पा आंखें बंद किए बैठे थे। उन्होंने अपना डंडा उठाया, आंखें बंद किए हुए ही मिलारेपा के पास गए और उनकी पिटाई कर दी। मिलारेपा लोगों के बीच बैठे थे। मार्पा आए और उन्हें अच्छे से पीटा, घसीटकर बाहर ले गए और उठाकर बाहर फेंक दिया। ऐसा बार बार होने लगा। मिलारेपा थोड़ा इंतजार करते और फिर जैसे ही कोई दूसरी दीक्षा होने वाली होती वो चुपके से जाकर इस उम्मीद में वहां बैठ जाते कि इस बार उन्हें दीक्षा मिल जाएगी। इस तरह 13 साल से ज्यादा बीत गए लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तब एक दिन उन्होंने मार्पा की पत्नी से याचना की, जो मिलारेपा से सहानुभूति रखती थी और उनकी माँ की तरह थी। वो गिड़गिड़ाए, कृपया आप मार्पा से कहिए कि वो मुझे कोई दीक्षा दें, बस एक शिक्षा, एक छोटा सा ध्यान। मैं कुछ भी नहीं जानता, इतने सालों से मैं यहाँ ऐसे ही बैठा हूँ। तो उन्होंने मार्पा से इस बारे में बात की। मार्पा ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले उसे मेरे बेटे के लिए एक घर बनाने दो। उसे अकेले ही घर बनाना होगा। मैं 3 कोने वाला घर चाहता हूँ। तो मिलारेपा ने 3 कोने वाला घर बनाया। इसमें 2 साल लगे। फिर मार्पा ने उसको देखकर कहा, 3 कोने वाला घर मेरे बेटे के लिए ठीक नहीं है, 4 कोने वाला घर बनाओ। मिलारेपा ने 4 कोने वाला घर बनाया। फिर मार्पा बोले, ये अच्छा नहीं है, 5 कोने वाला घर बनाओ। इस तरह कई साल बीत गए। वो अकेले ही काम करते हुए हर जगह घर बनाते रहे। तब मार्पा ने कहा, यह ठीक है, लेकिन अपने बेटे के घर के लिए मुझे 60 फीट ऊंचे बुर्ज चाहिए। तो मिलारेपा ने घर के 4 कोनों में 4 60 फुट ऊंचे बुर्ज भी बना दिए। अब तक मिलारेपा की उम्र ढलने लगी थी। फिर एक दिन वो मार्पा की पत्नी के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगे, आप कुछ कीजिए, मेरी जिंदगी बीतती जा रही है, मुझे अभी तक एक भी शिक्षा नहीं मिली है, ये क्या है। मैं जानता हूं कि अतीत में मैंने बुरे काम किए हैं, मैंने तंत्र विद्या का दुरुपयोग किया है, लेकिन क्या मैं काफी पश्चाताप नहीं कर चुका हूं। तो ये सुनकर मार्पा की पत्नी को मिलारेपा पर दया आ गई और उन्होंने मार्पा के नाम से एक दूसरे भिक्षु को पत्र लिख दिया। वो भिक्षु भी दीक्षा देने में सक्षम था। उन्होंने पत्र ऐसे लिखा जैसे मार्पा ने खुद लिखा हो और उस पर मार्पा की मुहर लगा दी। तो उन्होंने पत्र मिलारेपा को दे दिया। मिलारेपा उस भिक्षु के पास गए और दीक्षा प्राप्त कर ली, लेकिन मिलारेपा को कोई अनुभव नहीं हुआ। वो भिक्षु भी हैरान रह गया, दीक्षा देने पर कुछ तो होना चाहिए, लेकिन इसे कुछ भी नहीं हुआ। फिर मार्पा को इस बारे में पता चला। उन्होंने मिलारेपा को बुलाया और उस भिक्षु की मान्यता भी रद्द कर दी। फिर घोर पछतावे में डूबे मिलारेपा आत्महत्या करने वाले थे। तब मार्पा ने उन्हें बुलाया और कहा, ठीक है, बैठ जाओ। और उन्होंने मिलारेपा को शिक्षा दी। मार्पा ने कहा, अतीत में तुमने जो गलतियां की हैं, मैं बस तुमको उन कर्मों को काटने के तरीके दे रहा था, मगर तुम बेवजह ज्यादा वक्त लगा रहे हो। If you just go by my word, this would have been over long ago. But you do everything and you take one sneaky way out. अगर तुम मेरे कहे अनुसार चले होते तो ये बोझ कब का खत्म हो गया होता, मगर तुम सब कुछ करते हुए बीच में एक चालाकी वाला तरीका अपना लेते हो। सिर्फ उस चालाकी की वजह से तुमने हर चीज को कई सालों तक टाला है, लेकिन अब तुम्हारा पछतावा तुम्हारे अंतर मन को छू रहा है। तुम इसके लिए जान भी देने को तैयार हो। अब तुम तैयार हो। फिर मार्पा ने उन्हें दीक्षा दी और तीसरे दिन ही मिलारेपा को दाकिनी के दर्शन हुए। आपने दाकिनी के बारे में सुना है? तांत्रिक तकनीक में चीजें करने के लिए हर चक्र के लिए एक देवी की रचना की गई थी, एक स्त्री स्वरूप जिसे प्राण प्रतिष्ठा द्वारा जीवंत बनाया गया, जिसे मदद के लिए बुलाया जा सके। इन शक्तियों की मदद के बिना कोई भी तांत्रिक कोई महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाता। तो मिलारेपा को दाकिनी के दर्शन हुए और वो बोली, मार्पा ने तुम्हें शिक्षा तो दे दी है, लेकिन उन्होंने एक मूलभूत पहलू छोड़ दिया है जो उन्हें खुद भी नहीं पता। जाओ और उनसे पूछो कि वो जानते हैं या नहीं। तो वो मार्पा के पास पहुंचे। मार्पा ने उन्हें देखकर कहा, तुम यहां क्यों आए हो? मिलारेपा ने कहा, दाकिनी ने आकर मुझसे ये कहा है। मैं नहीं जानता कि यह सच है या मेरी कल्पना है, लेकिन ऐसा ही हुआ है, तो आपसे पूछने के लिए मुझे आना पड़ा। मार्पा ने मिलारेपा के सामने सिर झुका दिया और कहा, मेरे पास भी ये ज्ञान नहीं है, तो चलो भारत वापस चलते हैं। वो दोनों मार्पा के गुरु से मिलने के लिए भारत गए, जो नेपाल और बिहार की सीमा पर कहीं रहते थे। उन्होंने चलकर पूरा रास्ता तय किया। वो वहां गए और जब मार्पा ने अपने गुरु को ये बात बताई कि दाकिनी ने आकर कहा है कि ये एक शिक्षा नहीं दी गई है, गुरु ने उनकी ओर देखकर कहा, यह तुम्हारा नहीं है, ऐसा तुम्हारे साथ नहीं हो सकता, तुम्हें यह बात कैसे पता चली? तब मार्पा ने बताया, यह मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे एक शिष्य के साथ हुआ है। तब गुरु तिब्बत की ओर मुड़े और अपना सिर झुका दिया। उन्होंने कहा, आखिरकार उत्तर के अंधकार में एक छोटा सा प्रकाश चमका है। फिर गुरु ने मिलारेपा और मार्पा दोनों को बुलाकर इस जीवन में संपूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त करने की पूरी शिक्षा दी और वो दोनों वापस लौट आए। मार्पा, जिन्होंने एक गुरु के रूप में शुरुआत की थी, अब मिलारेपा के शिष्य की तरह बन गए। मिलारेपा तिब्बती संस्कृति में एक चमकता हुआ प्रकाश बन गए। कई चीजें जो पिछले 300-400 सालों में तिब्बती संस्कृति में की गईं, वो मूल रूप से मिलारेपा के काम पर आधारित है।